चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी है बीजिंग। चीनी आबादी में 91% बौद्ध धर्म को मानते हैं। चीन का क्षेत्रफल 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप इतिहास की किताबें पढ़कर चीन को धोखेबाज मानते हैं या फिर चाइनीज माल का हाल देखकर चीन से नफरत करते हैं, तो चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके बारे में कुछ ना कुछ लोगों को जानने की उत्सुकता रहती है, चाहे उनकी संस्कृति हो या उनका खान पान। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे चीन के बारे में कुछ रोचक तथ्य जिसे आप शायद ही जानते हो। चाइना की आबादी लगभग 1.38 बिलियन है। यह आबादी इतना ज़्यादा है कि वहाँ के लोगों को एक कतार में खड़ा कर दिया जाए तो यह पूरी दुनिया को नाप सकती है। जब चीन में सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके कॉलर पे पिन लगा दिया जाता है ताकि वे अपनी गर्दन को ऊपर ही रख सके। चीन की शहर बीजिंग की हवा में इतना प्रदूषण ज़्यादा है कि वहाँ सांस लेने से होने वाला नुकसान दिन के करीबन 21 सिगरेट पीने के बराबर है। चाइना में एक खास नियम है, चाइना में अमीर लोग अपनी जगह अपने नौकर को भी जेल में भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर दुनिया में किसी कोने में पांडा नजर आता है तो आंख बंद करके विश्वास कर लेना कि इस पर चीन का ही अधिकार है। चीन इस प्रजाति को किराए पे ले रखा है। इनके बच्चे पर भी चीन का ही अधिकार है। इसके अलावा इंग्लिश बोलने वाले लोग अमेरिका से ज़्यादा चाइना में रहते हैं। चाइना दुनिया का वो देश है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। अमेरिका का जितनी आबादी नहीं है कि उतनी चाइना में मोबाइल फोन है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिगरेट पी जाती है। यहाँ करीबन 1 सेकंड में 50,000 लोग सिगरेट पी जाते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाला देश भी चाइना ही है। पूरी दुनिया में 30% वायु प्रदूषण का कारण चाइना ही है। आप चाइना से किसी भी सामान की डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होगी जिसकी डुप्लीकेट कॉपी चाइना न बनाई जाती हो। चीन और भारत दोनों ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, जिसके कारण भारत की सरकार चीन के सामान पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा सकती। मगर हम एकजुट होकर उनके सामान को न खरीदें तो यह समस्या थोड़ी कम हो सकती है। पिछले एक दशक में चाइना का विकास अमेरिका से 7 गुना ज़्यादा हो गया है। चाइना का माल सस्ता मिलता है मगर टिकता नहीं है। इसके बारे में एक कहावत है, चाइना का माल टिक गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल अमेजिंग प्रसाद सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।